अब डर लगता है। अब भी याद है मुझे वो जमाना, अब भी याद है मुझे वो जमाना, जब बेखौफ होता था हमारा घर से बाहर आना जाना। गली में अंधेरे हो, साथ ना कोई मेरे हो, दिल सहमता ना था। वो दोस्तों की महफिल से शाम ढले घर लौटना, पढ़ाई कब करोगी, वो माँ का चिल्लाना, पर माँ ने कभी ये नहीं कहा कि रात से पहले घर आ जाना। अब जब मेरी बेटी पूछती है तो मैं कहती हूँ, बेटा देखो स्ट्रीट लाइट जलने से पहले घर आ जाना। क्यों? क्योंकि अब डर लगता है। जनाब, डर किस चिड़िया का नाम है ये मुझे पता भी ना था। ट्रेन में, बस में अनजान लोगों से बातें करते थे, फोन नंबर्स भी एक्सचेंज होते थे, कभी सोचा ही नहीं कोई स्टॉकर या पर्वर्ट हो सकता है। कभी भी अब अनजान लोगों से बातें तो क्या, तुम आंखें मत मिलाना, मैं कहती हूँ बेटी से, क्या पता आज सुना है आजकल हिप्नोटाइज कर लेते हैं, क्या पता जाने मन में कैसे कैसे खौफ पाल रखे हैं। क्यों? क्योंकि अब डर लगता है। मुझे याद है अपना बेवकूफियों वाला जमाना, यही दिल्ली में अनजान लोगों से लिफ्ट लिया था मैंने, कभी सोचा ही नहीं था कि रिस्की है। आज ट्यूशन क्लास के बाहर खड़ी रहती हूँ, उसे ऑटो ना लेना पड़े, ऑटो वालों का क्या पता, जाने कैसी नियत किसकी है। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अकेली लड़की, अंधेरी गली, कुछ भी तो हो सकता है। खौफनाक मंजर की कल्पना से अब दिल दहल जाता है, क्योंकि क्योंकि अब डर लगता है। ये ट्यूशन वाले क्लास इतनी देर तक क्यों रखते हैं? क्या उन्हें पता नहीं कि अब पहले वाला जमाना नहीं रहा? रोज तो अखबारों में, टीवी पर दर्दनाक किस्से आते हैं। अब तो जंगल के जंगली जानवर जू में कम, बाहर ज्यादा पाए जाते हैं। ऐसे में तो लाजमी है कि हर एक माँ को अब डर लगता है। जब वो छोटी थी तो कहीं अकेले जाने की जिद करती तो मैं कहती, बेटा बड़ी हो जाओ तब जाना। आज सालों बाद भी बंद जुबान और उदास आंखों से वो पूछती है, मामा कब बड़ी होंगी मैं? क्या जवाब दूं मैं उसके सवाल का, जो मुझे खुद कटघरे में खड़ा कर दे? लोग खराब है, जमाना खराब है, माहौल खराब है, क्या बोलूं उससे? हकीकत तो ये है कि बस अब डर लगता है। खुले आकाश में वो चिड़िया उन्मुक्त उल्लास के पर लगा के उड़ती है, मेरी चिड़िया कैद है एक पिंजरे में, अपने ही संकीर्ण सोच के सलाखों के पीछे बांध रखा है मैंने। पर क्या करूं, पिंजरा कैसे खोलूं, किसी गिद्ध की नजर ना पड़े मेरी चिड़िया पे, अब डर लगता है। सच बोलूं, मैं भी अब बदल गई हूं, हालात की वजह से कुछ संभल गई हूं, अब लिफ्ट नहीं लेती ना देती हूं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लोगों को ब्लॉक भी कर देती हूं। अब कभी जब कभी मजबूरी में कैब से ट्रैवल करती हूं तो सबसे पहले नंबर प्लेट का पिक लेके घर भेज देती हूँ, फिर खाली फोन से फोन पे बात करती हूँ कि हाँ बसंत कुंज पहुंच गई, अब कुतुब मीनार के पास हूँ। उफ, इतनी एक्टिंग, इतना नाटक क्यों? क्योंकि अब डर लगता है। 5 महीने की हो या 50 साल, सुरक्षित कौन है आज? दोष किसको दूं? सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी, सरकार या समाज? कब खौफ से मुक्त होगा मन, कब होगा अंधेरी गलियों में उजालों का आगमन? हो सकता है आने वाला कल हो उज्जवल, पर कल की कल देखेंगे, आज तो बस डर लगता है। थैंक यू।